हे गाइज, नमस्कार। आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो आज के लेक्चर में गाइज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एनसीईआरटी के चैप्टर 2 की स्थिर वैद्युत विभव के बारे में जानेंगे। और स्थिर वैद्युत विभव के बारे में पूर्ण रूप से आज अच्छे तरीके से हम लोग जान लेंगे कि क्या होता है। गाइज, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि आप लोग कैसे हैं, और उम्मीद करते होंगे गाइज कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पर मन लगाए होंगे। तो गाइज सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज की सेशन ज़बरदस्त रहने वाली है, और अगर क्लास ज़बरदस्त है तो आप भी ज़बरदस्त शेयर कीजिएगा क्लास को। तो आपको चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम को गंवाए हुए। तो आज की टॉपिक क्या है? स्थिर विद्युत विभव, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, आज आप लोग जानोगे स्थिर विद्युत विभव क्या होता है। गाइज, तो सबसे पहले हम लोग विद्युत विभव को नहीं जानते हैं, पहले जानते हैं कि स्थिर विद्युत विभव क्या होता है। गाइज, तो ध्यान से समझिएगा कि जब आप कोई दो चालक होता है, कोई चालक ले लिए, और जब किसी चालक को, जैसे यहाँ कोई चालक ले लिए, ये चालक हो गया एक, और ये कोई चालक हो गया ये, ठीक भैया। अब जब कोई चालक ए हो गया, कोई चालक बी हो गया, चालक ए और बी को किसी तार के माध्यम से क्या कर देते हो, जोड़ देते हो, किसी तार के माध्यम से जोड़ देते हो। तो गाइस, तार के माध्यम से जोड़ने के बाद इस पे इसका जो आवेश होता है, वो आवेश जो होता है, अगर मान लीजिएगा इसका कम विभव होगा, अगर इसका कम विभव होगा और इसका ज़्यादा विभव होगा, ध्यान से समझिएगा, इसका अधिक विभव हो, इसका क्या हो, अधिक विभव हो। तो ध्यान से समझिएगा गाइज कि जो इसके आवेश होते हैं, ये इससे निकलकर जो इसका आवेश होता है, वो यहाँ से इधर की तरफ जाने लगता है। क्या होता है, ध्यान से समझिएगा गाइज, हमने क्या बताया आपको, केवल यहाँ ये समझाना चाहते हैं कि स्थिर विद्युत विभव क्या होता है। तो स्थिर विद्युत विभव पदार्थ का वह गुण होता है, जिसके कारण आवेश के हस्तांतरण की दिशा का निर्धारित किया जाता है। कि आवेश जो होता है गाइज, आवेश यहाँ से हस्तांतरित हुए, तो आवेश के हस्तांतरण होने की दिशा को निर्धारित करने वाला राशि स्थिर विद्युत विभव कहलाता है। तो क्या कहेंगे, किसी चालक से आवेश हस्तांतरण होने की दिशा को निर्धारित करने वाली राशि स्थिर विद्युत विभव कहलाती है। गाइस, ये बातें क्लियर हो गई। आइए हम लोग और जानते हैं, स्थिर विद्युत विभव को परिभाषित करते हैं, स्थिर विद्युत विभव क्या होता है। इसको मूव करते हैं, ध्यान से समझिएगा गाइस क्या होता है। कि उधर तो हम लोग जानेंगे कुछ और बातें, थोड़ा सा आप लोग ऐसे समझिएगा कि ये कोई बिंदु आवेश हो गया, ठीक, ये कोई बिंदु आवेश हो गया। तो भाई साहब, बिंदु आवेश हो गया तो इस आवेश के चारों ओर का जो एरिया होता है, हम लोग पहले लेक्चर में पढ़ के आए हैं कि आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो ये कौन सा क्षेत्र होने वाला है, विद्युत क्षेत्र, ध्यान से समझिएगा, विद्युत क्षेत्र, ठीक गाइज, ये कौन सा क्षेत्र हो गया, विद्युत क्षेत्र। अब क्या होता है कि ये आवेश के चारों ओर का विद्युत क्षेत्र, आपने कोई एक बिंदु आवेश लिया, अभी कुछ नहीं करना है, अब आपने क्या ले लिया, अनंत दूरी, मान लेते हैं अनंत दूरी पर, अनंत दूरी पर एक क्या है, परीक्षण आवेश है, क्या है, एक परीक्षण आवेश। गाइस समझिएगा, अनंत दूरी पर एक परीक्षण आवेश रखा गया। अब आप क्या करेंगे जानते हैं, इस एकांक परीक्षण आवेश को, अनंत से एकांक परीक्षण आवेश को उठाए और उठाकर ले आने में विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु तक ले आने में जो आप कार्य कर रहे हो, ले आने में जो कार्य कर रहे हो, वो कार्य इस बिंदु की विद्युत विभव कहलाती है। मैंने क्या बताया गाइस, फिर से समझिएगा, अनंत दूरी से एक परीक्षण आवेश को उठाओ और उठाकर भैया यहां विद्युत क्षेत्र के किसी एक पॉइंट तक, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एक बिंदु तक ला दो, तो लाने में जो कार्य होगा वो कार्य क्या कहलाएगी, विद्युत विभव कहलाती है। ये बातें आपको समझ में आई गाइस, मैंने क्या बताया आप समझ गए होंगे। तो आइए इसको हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे,
ठीक, ये तो हमने केवल ऐसे ये आपको जानने के लिए लिखा, मैंने जो बताया वो आप क्या होता वो आप क्या लिखेंगे या अनंत से एकांक परीक्षण आवेश को एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी एक बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य तथा आवेश का अनुपात ही उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है ठीक, ये आपकी बातें क्लियर हो गई। उस बिंदु का क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। तो ये हो गए। अब चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, कुछ मात्रक निकालते हैं, फार्मूले निकालते हैं, व्यंजक निकालते हैं। तो भाई ये ध्यान दीजिएगा एक पॉइंट और, विद्युत विभव कैसी राशि है? अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। ये हो गई। आइए अब हम लोग जानते हैं। तो आपने पढ़ा विद्युत विभव बराबर क्या हो जाएगा? ऐसे मानते हैं, माना अनंत दूरी पर स्थित परीक्षण आवेश क्यू नाट को विद्युत क्षेत्र के भीतर ले आने में किया गया कार्य विद्युत विभव बराबर क्या होगा? विद्युत विभव बराबर किया गया कार्य और बटी क्या होता है? परीक्षण आवेश। ठीक, किया गया कार्य क्या है? W और परीक्षण आवेश क्या है? क्यू नाट। तो विद्युत विभव क्या होता है? V। तो विद्युत विभव को V से व्यक्त करते हैं, V बराबर क्या हो जाएगा? W/Q0। ठीक, ये हो गए। अगर मैं इसकी मात्रक का चर्चा करूं तो मात्रक क्या होगा? कार्य का मात्रक। तो W का मात्रक क्या होता है? जूल। ठीक, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो जूल प्रति क्या हो गए? कूलाम। तो विद्युत विभव का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम, या इसे ही क्या कहते हैं? बोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बोल्ट कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? बोल्ट कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई गाइस? विद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम या बोल्ट होता है। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब इसकी बीमा की चर्चा किया जाए। बीमा क्या होता है ध्यान से समझिएगा। अब बीमा, तो बीमा निकालेंगे, तो आइए W की बीमा निकालते हैं। किसकी बीमा निकालते हैं? W की। तो W की बीमा क्या हो जाएगी ध्यान से समझिएगा। तो बीमा हो जाएगी W की बीमा और बटे किसकी हो जाएगी? क्यू नाट की बीमा। किसकी बीमा? क्यू नाट की बीमा। तो भाई W की बीमा कार्य की बीमा आप जानते हैं, ML² T^-2 होता है
और आवेश की बीमा एटी होता है। आवेश की बीमा क्या होती है, एटी। ये सब ऊपर जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर जाएगा तो पावर एक है, ऊपर चले जाएंगे ऐसे समझिए, एक स्टेप और करते हैं, एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू, ये दोनों पद ऊपर गए तो ए के पावर माइनस वन और टी के पावर माइनस वन हो गए। तो भाई टी के पावर माइनस एक और माइनस टू जोड़ के टी के पावर माइनस थ्री हो गए। तो एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस थ्री और ए इनवर्स इसकी क्या हो गई, बीमीय सूत्र हो गए। तो इस प्रकार आप इसका क्या निकाल सकते हैं, बीमा भी निकाल सकते हैं। तो आपके जो ये बीमा है वो ये आ गया, ठीक गाइस, ये हो गई। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको ये बोल्ट आया है, तो बोल्ट क्या होता है आप उसको समझिएगा। अगर आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछता है एक बोल्ट विभव से आप क्या समझते हैं, एक बोल्ट विभव से आप क्या समझते हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। एक बोल्ट विभव, तो एक बोल्ट विभव क्या होता है ध्यान दीजिएगा, यदि यदि W का मान एक हो जाए और Q नाट का भी मान एक हो जाए तब जो V होता है वो एक वोल्ट कहलाता है। मैंने क्या बताया, यदि W का मान क्या हो जाए, एक जूल हो जाए और Q नाट का मान एक कूलाम हो जाए तो जो V होगा वो एक वोल्ट होगा। तो ऐसे लिखते हैं, यदि Q नाट जो है एक कूलाम हो तथा और W बराबर एक जूल हो तो विभव, तो ऐसे लिखे गाइज, तो विभव एक बोल्ट कहलाती है, एक बोल्ट कहलाती है। तो इसको परिभाषित कैसे करोगे, आप तो ये समझ गए कि क्यू का मान एक कूलाम। तो गाइज समझिएगा कि यदि क्यू बराबर एक कूलाम हो, यानी एक कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एक बिंदु तक ले आने में यदि एक जूल का कार्य करना पड़े, W बराबर क्या है, एक जूल है ना, तो यदि एक जूल का कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का विद्युत विभव क्या कहलाता है, एक वोल्ट होता है। यदि हम कहें कि इस एक कूलाम आवेश को यहाँ तक लाए और लाने में अगर एक जूल का कार्य करेंगे तो इस बिंदु का विभव एक वोल्ट कहलाएगी। बातें समझ में आई, यानी एक वोल्ट बराबर होता है एक जूल प्रति कूलाम, एक वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, एक जूल प्रति कूलाम, यानी एक कूलाम आवेश को ले जाने में एक जूल की कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का जो विभव होता है वो एक वोल्ट कहलाता है। तो आप परिभाषा लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा गाइस, हम बोल देते हैं कि यदि एक कूलाम आवेश को ले जाने में एक जूल का कार्य करना पड़ता है तो उस बिंदु का जो विभव होता है वो एक वोल्ट के बराबर होता है। तो गाइज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे की टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए गाइज, चलिए इसको मूव करते हैं। तो आपकी अगली टॉपिक क्या होने वाली है, अगली टॉपिक आपकी है विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर, ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, ध्यान समझिएगा। अब विद्युत विभवांतर क्या होता है, विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव केवल ये है कि आप जरा सा इसको समझ लीजिएगा, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा दोनों में अंतर क्या है। तो समझिए क्या होता है, मैंने क्या कहा, आप एक परीक्षण एक क्यू आवेश रखेंगे, बिंदु रूपी आवेश हो गया, ठीक। अब भाई इस आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र होने वाला है वो कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। मान लीजिएगा ये आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र कहलाया विद्युत क्षेत्र कहलाया, ठीक गाइस। अब क्या होता है, हम लोग जो बिंदु परीक्षण आवेश रहता था उसे अनंत दूरी से लाते थे, विद्युत विभव में क्या होता था, अनंत दूरी से लाते थे, ठीक, अनंत दूरी से लाते थे। अब हम लोग क्या कहेंगे कि ये विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र, फिर से लिखते हैं, ये भाई विद्युत क्षेत्र है ना। अब विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से, विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु पे एक परीक्षण आवेश क्यू जीरो रखा है, ठीक। अब इससे हम लोग इसको यहाँ से उठाए, इसको उठा के कहाँ तक ला दिए, बी तक ला दिए, कहाँ तक ला दिए, बी तक। तो इस परीक्षण आवेश को उठाए यहाँ से यहाँ तक ला दिए, करने लाने में किया गया कार्य डब्लू हो गया। तो जो लाने में जो किया गया कार्य है वो इन बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो गाइस मैंने क्या बताया, समझिएगा भाई, विद्युत क्षेत्र के अंदर एक आवेश पड़ा था,
विद्युत क्षेत्र के अंदर एक आवेश पड़ा था, एक जगह बैठा था, उसको वहां से उठाए दूसरे बिंदु तक ले आ दिए। अब दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किए वो कार्य इन बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर कहलाता है। हम लोग वहाँ अनंत से लाते थे एक बिंदु तक, यहाँ क्या करेंगे, अनंत से नहीं किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, ए और बी के बीच इसको ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो क्या कहलाता है, इन बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर कहलाता है। ये बातें लिखिए, विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित एकांक परीक्षण आवेश क्यू नॉट को, एकांक परीक्षण आवेश क्यू नॉट को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W तथा परीक्षण आवेश का अनुपात, तथा परीक्षण आवेश का अनुपात, परीक्षण आवेश का अनुपात उन बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर कहलाता है, उन बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक, बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर कहलाता है। हम मानते हैं इस पे विद्युत विभव कितना है, VA, और इस पे विभव क्या है, VB। ध्यान से समझिएगा, इस पे विभव कितना है VA, इस पे विभव कितना है VB। तो भाई A और B के बीच का विभवांतर, माना A पर विभव कितना है, A पर विभव कितना है VA, और B पर जो विभव है वो क्या मान लेते हैं VB। तो A और B के बीच का, ए और बी के बीच का विभवांतर, बीच का विभवांतर क्या होगा भाई, विभवांतर हो जाएगा वी बी अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक विभव बराबर किया गया कार्य। किया गया कार्य कितना है W, और आवेश कौन है, परीक्षण आवेश क्यू जीरो। तो ये हो गया वी बी माइनस वी ए बराबर W अपान क्यू। तो ये हो गया, इसका भी मात्रक क्या होता है, वही सेम टू सेम मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम, या क्या होता है बोल्ट होता है, या क्या होता है बोल्ट होता है। ठीक, बीमा भी वही होगा जो आपने इसका बीमा निकाले हैं, यम एल क्यूब टी पावर माइनस टू ए के पावर माइनस वन। तो जो बीमा है वही सब कुछ होने वाला है। तो विद्युत विभव एक अदिश राशि होती है, और यह एक कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। ठीक, तो गाइज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक, और उम्मीद करते होंगे कि आज की लेक्चर, आज का जो सेशन है आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक।